जी हाँ दोस्तों, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का चौथा क्वालिफाइंग मुकाबला, आप सभी को बता दें श्रीलंका वर्सेस नामीबिया के बीच ये खेला गया ग्रुप ए का चौथा मुकाबला टी20 वर्ल्ड कप का, जहां पर श्रीलंका टीम ने अच्छी गेंदबाजी के दम पर नामीबिया को दोस्तों 100 रन से कम के अंतर पर ही रोककर दिखा दिया। जहां श्रीलंका दोस्तों इस बार सुपर 12 में पहले क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो जद्दोजहद करनी पड़ रही उन्हें राउंड वन के मुकाबलों में, जहां क्वालिफाइंग करने के लिए उन्हें अपने ग्रुप की टीमों से भिड़ना पड़ रहा है। आप सभी को जानकारी दे दें, उनके ग्रुप में नेदरलैंड, आयरलैंड और नामीबिया की टीम है और श्रीलंका खुद चौथी टीम है। तो वहीं जानकारी दें इस मुकाबले की दोस्तों, तो ये मुकाबला खेला गया श्रीलंका और नामीबिया के बीच शेख जियाद स्टेडियम अबू धाबी के शानदार मैदान पर, जहां पर प्लेइंग 11 की बात करें और टॉस की बात करें तो श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और श्रीलंका की प्लेइंग 11 यहां पर कुशल परेरा, पाथुमन निसांका, दिनेश चांडीमला, विश्का फर्नांडो, भानुका राजपक्षा, धनुष शनाका, शमिका करुणारत्ने, वनिदा हसरंगा देखने को मिले और साथ ही साथ इनके खतरनाक खिलाड़ी दुश्मन चमीरा, महेश तिक्षाना और लहिरू कुमारा। और श्रीलंका ने अपनी बेंच पर अभी बिठा रखा है धनंजय डी सिल्वा को, चरिता श्रीलंका को, अकीला धनंजय और बिनुरा फर्नांडो को। वहीं नामीबिया की प्लेइंग 11 की बात करें तो स्टेफन बारट, जैनिन ग्रीन जो विकेट कीपर है, क्रैग विलियम्स, ग्रेहर्ड ग्रेसोम देखने को मिले जो कप्तान है इस टीम के, डेविड वीजे, जय जे स्मिथ देखने को मिले, जैन फ्रेलिंग देखने को मिले, पिकी या फ्रांस, जैन निकोल, लिफ्टी एटिन, रूबेन देखने को मिले और बेनार्ड स्कॉल्स देखने को मिले। श्रीलंका की बात करें तो वो अपने कप्तान को लेकर दोस्तों अब एकदम क्लियर है। दर्शन शनाका ही पिछले कुछ सीरीज कुछ मुकाबलों से कप्तानी कर रहे हैं, वरना तो इन्होंने पिछले कुछ सालों में काफी कप्तान बदली। अब आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का चौथा क्वालिफाइंग मुकाबला, जहां पर दोस्तों नामीबिया और श्रीलंका के बीच देखने को मिला। टॉस की बात करें दोस्तों तो इस मैदान पर टॉस जीता श्रीलंका ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आज दोस्तों दो मुकाबले देखने को मिले, जहां दिन वाला मुकाबला हमें देखने को मिला आयरलैंड और नीदरलैंड के बीच, जहां आयरलैंड के खिलाड़ी ने 4 गेंदों पर 4 विकेट लगातार चटकाते लसित मलिंगा की बराबरी करी। तो आज के मुकाबले में श्रीलंका की गेंदबाजी भी दोस्तों कहीं ना कहीं बहुत ही खतरनाक देखने को मिली, क्योंकि 96 रन पर ऑल आउट मार दिया। भले ही नामीबिया की टीम कमजोर टीमों में से गिनी जाती हो, लेकिन 96 रन पर रोकना अलग बात होती है, लेकिन ऑल आउट मारना वो एक अलग बात होती है। गेंदबाजी में सभी यहां पर गेंदबाज चमके। अब शुरुआत से आपको जानकारी दे दें कि स्टेफन बारट और जैन ग्रीन यहां पर नामीबिया के लिए ओपनिंग करने के लिए आए, जहां 11 गेंदों में 7 रन की पारी स्टेफन बारट ने खेली थी कि चाइना ने पहला विकेट लिया इस मैच का तीसरे ओवर की पहली गेंद पर, जब टीम का स्कोर 10 रन था। उसके दो ओवर बाद जो फिर से करने गेंदबाजी करने के लिए आए तो उन्होंने दोस्तों यहां पर विकेट लिया इस बार जैन ग्रीन का, जो 13 गेंदों में 8 रन की पारी बनाकर खेल रहे थे। अब यहां पर दो विकेट दोस्तों टीम नामीबिया ने 29 रन पर खो दिए थे छठे ओवर की चौथी गेंद तक, यानी पावर प्ले के अंदर 30 रन के आसपास थे और दो विकेट खो चुकी थी। यहां से शुरू होता है दोस्तों एक अच्छा खेल, क्योंकि यहां पर छोटी सी पार्टनरशिप पनपती है क्रैग विलियम्स और इरेसोम्स के बीच, जहां इरेसोम्स और क्रैग विलियम्स दोस्तों यहां पर अच्छी पारी की शुरुआत करते हैं। 36 गेंदों में 29 रन बना पाते हैं क्रैग विलियम्स, और एरोसम्स की बात करें तो 19 गेंदों में 20 रन की पारी वो खेलते हैं। आबू धाबी के मैदान पर दोस्तों आज ये दूसरा मैदान था, लेकिन ज़्यादा हाई स्कोरिंग मुकाबले यहाँ देखने को मिल नहीं रहे। अब गेंदबाजी अच्छी हो रही है, बल्लेबाजी सचमुच खराब हो रही है, ये तो तभी पता चलेगा जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, इंडिया जैसी टीमों के मुकाबले होंगे। अब क्रैग विलियम्स ने दोस्तों 29 रन बनाए 2 छक्के की मदद से, वनिंदु हसरंगा ने इनका विकेट लिया और एरोसम्स ने 20 रन बनाए 2 चौके की मदद से, लहिरू कुमारा ने इनका विकेट लिया। वीजे यहाँ पर 7 गेंदों में 6 रन बनाकर खेल रहे थे, करुणा रत्ने ने LBW आउट मारा, ये 5वां विकेट था। स्मिथ बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों यहां पर 15 गेंदों में 12 रन बनाकर वो दूसरे छोर पर बस खड़े रह गए, बाकी यहां पर तीसरे छोर से तो लगातार विकेट गिरती चली गई। तिक्षाना ने जैन का विकेट लिया, हसरंगा ने लॉफ्टी का विकेट लिया जो 3 रन बनाकर खेले थे, रूबेन का विकेट चमीरा ने लिया और पिकिया फ्रांस का विकेट दोस्तों करुणा ने लिया, और लास्ट में स्कोलेट्स जिनका विकेट नहीं बल्कि रनआउट मारा पथुम निसांका ने। तो 20वें ओवर की तीसरी गेंद तक दोस्तों यहां 10 के 10 विकेट, करीब 5 रन रेट के हिसाब से यहां बल्लेबाजी करी नामीबिया की टीम ने और ऑल आउट कर दिया था श्रीलंका के गेंदबाजों ने। यहाँ बात करें दोस्तों यहाँ पर इनकी गेंदबाजी की, तो हमें देखने को मिला गेंदबाजी में श्रीलंका की धार सबसे ज़्यादा चमकी कहीं ना कहीं में तिक्षाना के बीच। जी हाँ दोस्तों, 4 ओवर 25 रन देते हुए तिक्षाना ने 3 विकेट झटके, 3 ओवर की तीसरी गेंद तक 9 रन देते हुए लहिरू कुमारा ने 2 विकेट, वनिंदु हसरंगा ने भी 4 ओवर में 24 रन देते हुए 2 विकेट, और चमीरा ने 1 विकेट और करुणा रत्रे ने 1 विकेट चटकाया। अगर यहाँ पर दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो श्रीलंका के नज़रिए से बहुत तगड़ा ये मैच वापसी है, क्योंकि श्रीलंका की टीम एक ऐसी टीम है जो हमेशा अपनी वापसी के लिए जानी जाती है। अगर
अगर दोस्तों इनके कुछ इतिहास के पन्ने पलटे जाएं और अगर आपको जानकारी दी जाए तो श्रीलंका एक ऐसी टीम है जो एक बार टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर चुकी है, तो इनको अंडरएस्टिमेट करना दोस्तों बाकी टीमों के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात हो सकती है। और नामीबिया के खिलाफ इन्होंने जिस प्रकार से गेंदबाजी की है इन्होंने साफ जता दिया है। अब दोस्तों बदलाव के दौर से गुजर रही पूर्व चैंपियन श्रीलंका टीम का आज अबू धाबी के मैदान से क्वालिफायर नामीबिया के, अब यहां पर सिर्फ 97 रन ही चेस करने हैं 120 गेंदों में, यानी कि रन बॉल भी मैच नहीं है। आसानी से और नेट रन रेट को ध्यान में रखते हुए क्वालिफाई करना चाहेगी टीम आगे। श्रीलंका ने 2014 में टी20 विश्व कप जीता था, लेकिन इसके अगले साल से उसके शीर्ष खिलाड़ियों ने संन्यास लेना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से टीम उतार चढ़ाव झेलना पड़ा और उनके विकल्प में टीम को उनकी जगह भरने में नाकाम साबित रहे, जैसे कुमार संगकारा, महिला जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलशान, रंगना हैरत, लसित मलिंगा, नुवान कुलशेखर और तिसारा परेरा 2014 के बाद से संन्यास लेने वाले कुछ मुख्य खिलाड़ियों में से एक हैं। अब खराब परफॉर्मेंस के कारण श्रीलंका की रैंकिंग में गिरावट आई, जिसके कारण उसे सुपर 12 में सीधा प्रवेश की एंट्री नहीं मिली। अब उसे क्वालिफाइंग मुकाबलों में हिस्सा लेना पड़ता, उसके टॉप के खिलाड़ियों के संन्यास के अलावा श्रीलंका को इंग्लैंड में बाय बबल के उल्लंघन के कारण निरोशन डिकवेला, कुशाल मेंडिस और धनुषा गुणातिलका जैसे खिलाड़ियों के एक साल के निलंबन से भी जूझना पड़ता है। इनकी गैर मौजूदगी में साउथ अफ्रीका के खिलाफ हाल में वनडे इंटरनेशनल सीरीज के दौरान सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे चरित असलंका, अविष्का, फर्नांडो, कामिंदु मेंडिस जैसे तेज गेंदबाज, चमिका करुणारत्ने से टीम को काफी उम्मीदें हैं। अब श्रीलंका के पास कलाई के स्पिनर वानिंदु हसरंगा भी हैं, जो शीर्ष गेंदबाज के रूप में खुद को साबित कर चुके हैं। हसरंगा बल्ले से योगदान देने में भी सक्षम है और अब तक 2 अर्धशतक भी जड़ चुके हैं। श्रीलंका के पहले प्रतिद्वंदी नामीबिया की 18 साल बाद विश्व कप में वापसी हुई है। टीम ने पिछली बार 2003 में विश्व कप में हिस्सा लिया था। नामीबिया पिछली बार विश्व कप में खेलते हुए 6 मैचों में एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाया था और टीम के मौजूदा कप्तान गेरहार्ड इरासम्स उस समय सिर्फ 7 साल के थे जब पहली बार टी20 वर्ल्ड कप में खेली थी नामीबिया की टीम। तो 7 साल के बाद दोस्तों यहां पर 13 साल के करीब 18 साल के बाद वापसी हो रही है नामीबिया की। तो टीम ने पिछले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन किया और श्रीलंका से कड़ी टक्कर देने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे उनको 96 रन पर ऑल आउट मारा श्रीलंका ने तो पता लग गया दूध कितना पानी कितना। अब दोस्तों लिसिएस्टर के पूर्व कोच पियरे डी ब्रून को कोच नियुक्त करने और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व इंटरनेशनल खिलाड़ी एल्वी मर्कल को उनका सहायक नियुक्त करने के बाद टीम ने वनडे इंटरनेशनल दर्जा हासिल किया। जिस साल नामीबिया ने वनडे इंटरनेशनल दर्जा हासिल किया उसी साल टी20 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में भी जगह बना ली। अब प्रबल दावेदार स्कॉटलैंड के खिलाफ मरो के मुकाबले में जीत के अलावा नामीबिया ने बरमूडा, कीनिया, सिंगापुर को भी हराया है, लेकिन शायद श्रीलंका जैसी टीम को हराने के लिए इनके पास वैसे खिलाड़ी नहीं है जैसे खिलाड़ियों की आवश्यकता है। अब कुल मिलाकर दोस्तों देखा जाए तो नामीबिया ने 96 रन ही बनाया फर्स्ट इनिंग के दौरान। पहले बल्लेबाजी की बात करें दोस्तों तो ओपनिंग यहां पर श्रीलंका के खतरनाक बल्लेबाज पतुम निसांका और कुशाल परेरा कर रहे हैं। एक साथ दोस्तों आज 2 मैच देखने को मिल रहे हैं, जहां इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का वार्म अप मैच जारी है, वहीं शाम 7:30 बजे ये भी शुरू हुआ था। शाम 7:30 बजे श्रीलंका वर्सेस नामीबिया के बीच दोस्तों ये मुकाबला जारी है। अब देखते हैं दोस्तों इस मुकाबले को कितनी जल्दी चेस करते 97 रन श्रीलंका की टीम, क्योंकि जितनी जल्दी चेस करेगी उतनी ज्यादा इनके पास नेट रन रेट बढ़ाने के चांस होंगे। अगर क्वालिफाई करना है आगे जाना है तो हर टीम के साथ दोस्तों एक एक मैच होगा, दो रन यहां पर 2 पॉइंट्स मिलेंगे, साथ ही साथ नेट रन रेट भी मायने रखेगा। श्रीलंका की धारदार गेंदबाजी के आगे नामीबिया हुई पस्त, अबू धाबी के मैदान पर 96 का स्कोर बनाया, 97 रन चेस करने हैं श्रीलंका की टीम को, देखते कितनी जल्दी चेस करते। सारी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ चैनल के साथ नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।